मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ओर जहां भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी पर इन दिनों अपने कार्यक्रम के दौरान मंच से कार्यवाही कर रहे हैं, वहीं राजगढ़ के एक छात्रावास के अधिकारी ने अपने ही विभाग के जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया है। वीडियो में वह भ्रष्ट अधिकारी पर कार्यवाही करने के लिए सीएम से मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि के शर्मा ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये सब गलत है, कोई कुछ भी कह सकता है, मैंने नोटिस दिया इसलिए वह आरोप लगा रहा है। जिले के ब्यावरा में आदिम जाति कल्याण विभाग के बालक उत्कृष्ट छात्रावास के अधीक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने अपने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक पर रिश्वत के आरोप लगाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। अधीक्षक ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि वह आदिम जाति कल्याण विभाग के उत्कृष्ट बालक छात्रा में अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं, जहां छात्रावास में रहने वाले छात्रों के रहने व खाने पीने के लिए शिष्यावृत्ति आती है, जिसमें प्रति बालिकाओं के लिए 1500 और बालक 1460 रुपए प्रति माह आते हैं, जिसको लेकर हमारे जिला अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक के शर्मा छात्र छात्राओं के लिए हर महीने आने वाली शिक्षावृत्ति में रिश्वत के रूप में उस पैसे में से हमसे 10,000 रुपए अपना हिस्सा मांगते हैं। अगर पैसे नहीं देते तो वह अपने नोटिस जारी कर देते हैं और दबाव बनाते हैं, जिससे हम सब परेशान हैं। मैं ही नहीं, जिले के सभी अधीक्षक उन्हें हर महीने पैसे देते हैं। उन्होंने बताया कि इसी साल 2022 जुलाई में उन्होंने तलेन कन्या छात्रावास में किसी कारण नोटिस जारी किया था, जहां पदस्थ किसी महिला अधिकारी के नाम पर उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के संयोजक के शर्मा के निवास पर जाकर 10,000 रुपए दिए थे, जिसका वीडियो भी मेरे पास है। जिला संयोजक के शर्मा से बात की, उन्होंने बताया कि जब कोई भी कुछ भी कह सकता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी उससे कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ऐसी कोई बात हुई है, उसको नोटिस दिया है इसलिए वह आरोप लगा रहा है, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सारे गलत हैं। रिश्वत वाली वीडियो के बारे में उन्होंने कहा कि अरे भैया, आजकल की दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। हमारे यहाँ आदिम जाति कल्याण विभाग अनुसूचित जाति कार्य विकास योजना के जो जिला संयोजक है श्री के शर्मा जी, वो बहुत बड़े स्तर पर मुझे परेशान कर रहे हैं। बालक और बालिकाओं के लिए शिष्यवृत्ति दी जाती है, इस हेतु 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ रिश्वत की मांग करता है और ना देने की स्थिति में हमारी नौकरी खा जाने की धमकी देता है। शिष्यवृत्ति से पैसे लेने का पर्याप्त सबूत है मेरे पास। माननीय महोदय, आपसे सादर निवेदन है कि इस भ्रष्टाचारी के शर्मा जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को जिले राजगढ़ से मुक्त करें, सब इन्हें अनुरोध। कोई भी कुछ भी कह सकता है, मैं कहता हूँ जो मेरी कोई उससे ऐसी बात नहीं हुई, ना उससे कोई ऐसी कोई चर्चा है। आप उस वीडियो में है ही नहीं, मतलब मैंने देखा ही नहीं है, ना मेरे को आज